फरासिया के कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी में फर्जी नाम से ड्यूटी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया, जिसको लेकर अब शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। पूर्व जनपद सदस्य सुरेश यदुवंशी ने कोल माइंस में फर्जी शिवमुनि के नाम पर ड्यूटी करने वाले के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत की है। सुरेश ने बताया कि चरई निवासी राजू यदुवंशी शिवमुनि के नाम पर कोल माइंस में ड्यूटी कर रहा था और वह अब नहरिया माइंस में रिटायर हो गया है, जिसके चलते उसके फंड को रिलीज ना किया जाए। शिकायत के बावजूद शिवमुनि के फंड और ग्रेजुटी को रिलीज कर दिया गया है, जिससे वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर वे अब कोर्ट से इसकी शिकायत करेंगे। ग्राम चरई कला में सुखचंद पिता अमरलाल यदुवंशी है, जिनने 30 साल लगभग WSL में 30 साल शिवमुनि पिता अलगू चौधरी यूपी के रहने वाले के नाम पे उन्होंने सर्विस किया है। तो इसको लेकर मैं WSL में 8 जगह से शिकायत की है, लेकिन आज तक संतोषजनक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि इसकी कड़ी कार्रवाई हो, इसकी जांच हो और जो फंड ग्रेजुटी है उसका रोका जाए। अगर सही पाया जाएगा तो उसको मिल जाए, नहीं तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।